जम्मू कश्मीर एक स्ट्रेटेजिकल इंपॉर्टेंट एरिया है क्योंकि ये चाइना और पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करता है और ऐसे रीजन और स्ट्रेटेजिक एरिया में सबसे पहली नीड होती है अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी की। ऐसे एरियाज में जितनी अच्छी कनेक्टिविटी होगी उतने ही वॉर्डर्स सिक्योर होंगे और जम्मू कश्मीर में बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, चाहे वो रेल कनेक्टिविटी हो या फिर हाईवेज की। रोज न्यू अपडेट्स जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंट के रिलेटेड आते रहते हैं और अब ऐसे ही एक टनल की ब्रेक थ्रू हुई है। ये टनल स्ट्रेटेजिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यह टनल पाकिस्तान की LOC के साथ सटे हुए इलाके में कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा। इस टनल का नाम है सुंगल टनल, जो कि अखनूर और पुंछ हाईवे पे बन रहा है। चलिए इस टनल की ब्रेक थ्रू और इस टनल के बारे में समझते हैं। पुंछ और रजौरी जम्मू कश्मीर की दो महत्वपूर्ण डिस्ट्रिक्ट्स। यह डिस्ट्रिक्ट्स पाकिस्तान की LOC के बिल्कुल पास हैं और यह डिस्ट्रिक्ट हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस भी रखती हैं। यहाँ के लिए बना हुआ पुंछ रजौरी रोड गोल्डन आर्च रोड कहा जाता है क्योंकि ये बहुत ही पुराना रोड है जो कि साउथ कश्मीर को भी जोड़ता है और अभी फिलहाल इसी रोड का काम लगा हुआ है। इस हाईवे को अपग्रेड करने का काम चल रहा है। अखनूर से लेके पुंछ तक इस हाईवे को 2-लेन हाईवे विद पैव शोल्डर्स में अपग्रेड किया जाएगा और यह जो टनल बनके तैयार हुआ है सुंगल टनल, यह टनल 2.79 किलोमीटर का है जो कि इस सेक्शन का सबसे लंबा टनल है। यह टनल इसी प्रोजेक्ट के अंदर बनाया जा रहा है। इस पूरे प्रोजेक्ट को देखें तो जम्मू से लेके पुंछ तक इस प्रोजेक्ट को 2 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है, जम्मू से लेके अखनूर और अखनूर से लेके पुंछ तक। जम्मू से लेके अखनूर वाला प्रोजेक्ट कम्प्लीट होने वाला है, यह लगभग 80-90% बनके तैयार हो गया है। इस प्रोजेक्ट की दूसरी सेक्शन और मेन सेक्शन अखनूर से लेके पुंछ तक की है जिसको 2-लेन हाईवे विद पैव शोल्डर्स के साथ बनाया जा रहा है। अखनूर से लेके पुंछ वाली इस सेक्शन को 8 पैकेजेस में डिवाइड किया गया है जिसके अंदर 4 टनल्स बनाए जाएंगे, कंडी टनल, सुंगल टनल, नौशेरा टनल और बीमर गली टनल। और इन सब टनल में से लंबा टनल सुंगल टनल ही है जो कि 2.79 किलोमीटर का है जिसकी अभी ब्रेक थ्रू हो चुकी है। यह टनल 2-लेन सिंगल ट्यूब टनल है और बात करें बाकी टनल्स की तो 4 में से 3 टनल्स की ब्रेक थ्रू हो चुकी है। कंडी टनल की ब्रेक थ्रू 2023 में हुई थी और नौशेरा टनल की ब्रेक थ्रू इसी साल हुई है। यह टनल इस रोड की लंबाई को कम करेंगे और जम्मू से लेके पुंछ तक के लगने वाले समय को और कम करेंगे। 200 किलोमीटर के इस स्ट्रेटेजिक रोड को इस न्यू हाईवे और टनल्स की वजह से 32 किलोमीटर तक कम कर दिया जाएगा और जो समय अभी जम्मू से लेके पुंछ जाने में 6-7 घंटे का लगता है वो समय घट के 4.5 घंटे का हो जाएगा। अभी सुंगल टनल की ब्रेक थ्रू ही है, यानी कि इसको एक सिरे से दूसरे सिरे तक मिला दिया जा चुका है और इसका अभी बाकी फिनिशिंग का काम शुरू हो जाएगा। और VR को कहना है, जो कि इस टनल को बना रही है और इस प्रोजेक्ट को बना रही है, उसका कहना है कि इस टनल को इसी साल 2024 में कंप्लीट कर दिया जाएगा, यानी कि ट्रैफिक के लिए ओपन कर दिया जाएगा। और वही बात करें इस पूरे प्रोजेक्ट की तो VR को कहना है कि इसको 2026 से पहले कंप्लीट कर दिया जाएगा। इस रोड की बात करें तो इसके अंदर सिर्फ अब एक ही टनल बचता है जिसकी ब्रेक थ्रू नहीं हुई है, बीमर गली टनल। बाकी 3 टनल्स बनके तैयार हो चुके हैं और इस प्रोजेक्ट का काम अब तेजी के साथ किया जा रहा है। यह रोड रजौरी और पुंछ में रहने वाले लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगा और लोगों के साथ साथ डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी यह रोड बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। यह इस रीजन में इस एरिया में कनेक्टिविटी को मजबूत करेगा, टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, इस रीजन की इकोनॉमी बढ़ेगी और हमारे बॉर्डर्स मजबूत होंगे। इस प्रोजेक्ट के ऊपर कोई भी न्यू अपडेट आता है तो आपको इस चैनल पे देखने को मिल जाएगा। आपकी इस टनल के बारे में क्या राय है कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं कुछ ऐसी वीडियोस के साथ, धन्यवाद।